यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट स्टॉक है जिसके रिजल्ट आज डिक्लेयर हुए हैं जून क्वार्टर के, साथ साथ बात करेंगे निफ्टी का कंडीशन क्या है और डॉ जोन्स में आज क्या है, तेजी है या मंदी है, तो कंप्लीट इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए बजाज फाइनेंस का जो रिजल्ट रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब जो नेट प्रॉफिट है 1000 करोड़ का रहा है, जो कि पिछले साल के ही जून क्वार्टर में था मात्र 962 करोड़, यहां से जंप हुआ है 40 करोड़ का प्रॉफिट में। और वहीं पिछले क्वार्टर मार्च क्वार्टर में था 1346 करोड़ का, तो यहां पर डिक्रीज देखने मिला है। तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर आप कंपेयर करते हैं तो जो कंपनी को है उसको लॉस हुआ है, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करते हैं तो यहां पर प्रॉफिट में इंक्रीज देखने मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस 40 करोड़ का जंप है, वहीं बात करें अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 44 करोड़ का लॉस हुआ है, तो ये ओवरऑल बजाज फाइनेंस का रहा है नेट प्रॉफिट कंपनी का। उसके बाद बात करते हैं एशियन पेंट, एशियन पेंट का देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है 574 करोड़ है जून क्वार्टर 2021 का, वहीं पिछले साल के जून क्वार्टर में था मात्र 219 करोड़ का, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी ज़्यादा जंप है, यहाँ तो 150% से भी ज़्यादा का जंप है, तो काफ़ी सॉलिड रिजल्ट रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस करें तो पिछले मार्च क्वार्टर में था 869 करोड़ का, तो यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने मिला है, लगभग 300 करोड़ का डिक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, मतलब एक तरह से जो रिजल्ट है वो मिक्स रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डिक्रीज रहा है। तो इसका क्या इफेक्ट देखने मिलता है स्टॉक पे, वो तो हम प्राइस मूवमेंट से ही उसको कैप्चर कर पाएंगे। फिर अगला जो कंपनी है क्रिसिल लिमिटेड, देखिए क्रिसिल काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटली काफ़ी सॉलिड स्टॉक है और यहाँ पर बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड का तो 100 करोड़ का रहा है जून 2021 में, जबकि जून 2020 में मात्र 66 करोड़ का था, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जंप है, देख सकते 34 करोड़ का जंप है प्रॉफिट में। और वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस करें तो लगभग 83.52 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च क्वार्टर में, तो यहाँ पे भी लगभग 17 करोड़ का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट में, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 17 करोड़ का और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस है 34 करोड़ का, तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट रहा है क्रिसिल लिमिटेड का। एशियन पेंट और बजाज फाइनेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लॉस हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट रहा है, तो क्या इसका इफेक्ट देखने मिलता है, कल हम इसके स्टॉक को ट्रैक करेंगे तो वहां पता चलेगा कि क्या प्रभाव पड़ता है। अब बात करें निफ्टी का, तो देखिए निफ्टी के चार्ट पे यहां पर जो है आज तो काफ़ी गिरावट देखने मिला, लेकिन लास्ट के समय में रिकवरी भी देखने मिला और यहां से 15,575 इस लेवल से निफ्टी जो है यहाँ पर बाउंस बैक किया और यहाँ पर रिकवरी काफ़ी अच्छा खासा दिखाया, 15,632 पे क्लोज हुआ है निफ्टी। तो कल यहाँ पर जो है डॉ जोन्स के अनुसार अगर हम बात करें तो डॉ जोन्स मतलब जो यूएसए का मार्केट है वो आज काफ़ी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम गैप अप ओपनिंग दे सकते हैं। तो गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर यहाँ पर देखना पड़ेगा मार्केट ऊपर मूव करता है या नीचे मूव करता है, लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 15,575 का, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम फिर नीचे 15,450 तक आ सकते हैं, 15,400 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है आज जो जहां से सपोर्ट लिया, तो कल का उम्मीद है कि ये गैप अप ओपन हो सकता है, क्योंकि यहां पर देखिए डॉ जोन्स काफ़ी ऊपर है, डॉ जोन्स का जो कल क्लोजिंग था 33,955 का था और आज ये 34,468 पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ 400 पॉइंट से भी ज़्यादा का मतलब एक तरह से कहिए यहाँ पर 500 पॉइंट का यहाँ पर जंप है, आज 500 पॉइंट अप है, कल 900 पॉइंट का गिरावट दिखाया था एक समय में, तो आज 500 पॉइंट अप है और डॉ जोन्स क्लोजिंग किस अनुसार देता है उस अनुसार से आपको कल मार्केट में मोमेंटम मतलब शुरुआती चरण में जो गैप अप और गैप डाउन होता है ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो के अनुसार, साथ साथ जो न्यूज आते हैं आज क्या सब न्यूज आया है किस स्टॉक में उसके अनुसार कल गैप डाउन और गैप अप हम हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए।